नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। मैं हूं दिवाकर आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मोहनलालगंज कोतवाली से। मोहनलालगंज कोतवाली पहुंचे पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे। DCP दक्षिणी राइस अख्तर की मौजूदगी में CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए मोहनलालगंज कस्बे में बने कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। 5 लाख रुपये की लागत से 1.5 किलोमीटर के दायरे में लगाए गए 24 CCTV कैमरे। संपूर्ण मोहनलालगंज रहेंगे CCTV कैमरे की निगरानी पर। आइए देखते हैं वाटसल त्रिपाठी का एक खास रिपोर्ट। आधुनिक योजना कर दिया गया, ऐसी क्या व्यवस्था है और इससे कितना टाइम पे कंट्रोल लगता है? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं इसके लिए जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं DCP थानाध्यक्ष थाना प्रभारी इनके साथ साथ लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोकल लेवल पर की गई व्यवस्था है। 24 कैमराज लगे हैं और इससे रोड्स कवर किए गए हैं, आप एक ही जगह बैठकर मूवमेंट देख सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज से कटेल इसलिए होती है कि यदि कोई घटना होती है, लोग भागते हैं या कोई संदिग्ध मूवमेंट होता है, इससे देखने में बड़ी मदद मिलती है। एक ही कॉन्स्टेबल द्वारा यह कर सर, ये मॉडल क्या और भी जो कमिश्नरेट के थाने उसके और भी अप्लाई किया जाएगा? ये बहुत लोकल इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव, मैं चाहूँगा इसे और लिया जाए। ऐसे मैं जनरल टर्म से बता दूँ कि बहुत व्यापक स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया भी था और गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है कि हम कैमरा लगा रहे हैं।